आज आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश के उपाध्यक्ष शेर सिंह के साथ बलह विधानसभा आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री तारा चंद भाटिया, श्याम लाल, बंसी लाल शर्मा, तेज राम ठाकुर, बिमला चौहान व तृप्ता गुप्ता नाचन के पदाधिकारियों सहित रिवालसर में आकर जितेंद्र कुमार जो डिप्टी लीगल सलाहकार CBI में कार्यरत थे, जिन्होंने हाल ही में दिल्ली अपने सरकारी आवास में आत्महत्या करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी, उनके घर में उनके पिता और सभी परिवार जनों से मिले और जितेंद्र कुमार की आकस्मिक मृत्यु पर दुख जताया। आम आदमी पार्टी इस अहर्षणीय दुख की घड़ी में आपके परिवार के साथ है, ऐसा परिवार को भरोसा भी दिलाया। परिवार वालों ने कहा कि जितेंद्र कुमार ने अपने गांव में आज तक यह भी नहीं बताया था कि वह CBI में एक अधिकारी है। अधिकांश लोगों को तो उनकी मौत के बाद समाचार पत्रों से इस बात की जानकारी मिली कि वह देश की सुप्रीम संस्था में एक अधिकारी थे। वह मिलनसार निहायत ईमानदार व्यक्ति थे, वह हमेशा दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहते थे। ऐसे व्यक्ति आत्महत्या भी कर सकते हैं, इस बात का किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा है। उसके पिता जो स्वयं हिमाचल पुलिस में अधिकारी रहे हैं, उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों से जितेंद्र कुछ परेशान नजर आ रहे थे। उसका कहना था कि कुछ लोग उन्हें बेवजह धमकी देते थे कि उनका स्थानांतरण कर दिया जाएगा। ऐसी धमकी दी जा रही थी क्योंकि वह निहायत ईमानदार थे, कोई गलत काम नहीं कर सकते थे, इसलिए यह छानबीन की जानी चाहिए कि वह कौन सी बात है जिसे जितेंद्र को अपनी जान देने पर मजबूर होना पड़ा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ पे जो हमारे एक बहुत ही दुखद घटना हुई है, जिसमें इस एरिया से एक हमारे जो CBI में एक अहम पद पे इस प्रदेश की युवा थे, आज उनकी एक दुखद मृत्यु हुई है। तो उसके लिए हम सब लोग जो आम आदमी पार्टी के हमारे सीनियर लोग हैं, डोगरा जी हैं, तारा चंद भाटिया जी हैं, इरशाद जी हैं, पंडित जी हैं, श्यामलाल जी, सब लोग हम यहाँ पे आए थे, तो परिवार के प्रति हमने संवेदना प्रकट करी और कुछ बातें हमने परिवार वालों से जाननी चाहिए। तो उन्होंने बताया कि ये जो जितेंद्र जी थे, ये बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही ईमानदार इतने कि आज तक वो कभी भी ये जो CBI जो भी इनको कोई सुख सुविधाएँ देती थी उनका भी यूज नहीं करते थे, और इलाके में भी सबको ये कहते थे कि आपने किसी ने मुझे ये नहीं बताना लोगों को कि मैं CBI में एक बड़े पद पे वहाँ पे कार्यरत हूँ। इनका जो पद था वो ड्यूटी लीगल ऑफिसर थे, ये जो कि DIG रैंक के बराबर का एक रैंक होता है, लेकिन ये कभी भी यहाँ के लोगों को भी पता नहीं था कि वो इस तरह के बड़े अधिकारी हैं, क्योंकि इनकी अपनी सोच थी, ये ईमानदारी के एक प्रतीक थे। लेकिन जैसे उनके पिताजी ने हमें बताया कि उन्होंने फ़ोन करके बताया अभी कि ये यहाँ पे वो कुछ दिनों से, खासकर एक महीने से बहुत ज़्यादा उस पर चल रहे थे, टेंशन में चल रहे थे, और जैसे उनके पिताजी ने हमें कहा कि बड़े अधिकारी CBI के अधिकारी ही उनको बीच बीच में थ्रेटनिंग कर रहे थे, कई तरह की थ्रेटनिंग कर रहे थे, और बदली के लिए भी उनको धमकी दे रहे थे कि तुम्हारी बदली दूसरी जगह पे या किस जगह पे। अब ये किस बात के लिए कह रहे थे, तो ये एक जांच का विषय है, क्यों अधिकारी उनको प्रताड़ित कर रहे थे, ये जाँच का विषय है। साथ में उन्होंने, उनके भाई साहब ने भी कहा कि यहाँ उन्होंने कुछ, जितेंद्र जी ने एक अपना लेटर लिखा था CBI के लिए, जिसका भी उनको पूरी तरह से ये उसको क्लियर नहीं कर पाए हैं, लेकिन वो इन्होंने जैसे कहा कि हम परेशान थे तो हम उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स को पूरी तरह से अभी देख भी नहीं पाए हैं, लेकिन एक आज भी आए हम बड़े दुख घड़ी की बात हुई। हम बैठे जब उनके पिताजी ने बात कही तो हमें ऐसा लगा बड़ा हौसले वाला बातचीत होगा, तो उसका बेटा क्या होगा। तो जितेंद्र जी इसमें मैंने जो CBI में जैसे भी काम करते थे बड़े दिलेरी से करते, क्या प्रेशर हुआ, कैसे किया गया,
ये हम नहीं जानते, लेकिन दुख इस बात का है कि इस परिवार के साथ इंसाफ किया जाए। जी, धन्यवाद।